यहाँ पर मेरा कार्ड डला हुआ है, मैंने अमाउंट डाली हुई है, उस दिन भी हमारा कार्ड इस तरह से स्टक हुआ था, आज फिर से सेम यही चीज़ स्टक हो रही है यूबीएल के एटीएम में। अब मेरा कार्ड नया पे का जो है वो अंदर पड़ा हुआ है, भले जो मर्जी है प्रेस कर लो कुछ भी कर लो, यहाँ पे अब कार्ड अंदर फंसा हुआ है। अब इसके लिए जो है वो 15 से 20 मिनट बंदा इंतज़ार करे, तो ये जब निकलेगा तो तब यहाँ पर आएगा। मतलब कि एक अजीब सा सिनेरियो बना हुआ है यार। पे की एटीएम ट्रांजैक्शन मतलब कि यूबीएल की जो 5 फ्री ट्रांजैक्शन हमें मिलती हैं मंथ में, क्या उससे पैसे बर वक्त निकल सकते हैं या फिर नहीं निकलते? रिसेंटली मुझे क्या इश्यूज फेस करने को आए हैं और आपको भी ये फेस करने को मिले होंगे। मसला यहाँ पर ये चल रहा था कि अब अर्जेंटली मुझे पैसे चाहिए थे, मेरे पास नया पे का अकाउंट था और नया पे का कार्ड भी था और नया पे की 5 ट्रांजेक्शन यूबीएल से जो फ्री थी, यूबीएल बैंक भी करी पड़ता था, जिसकी वजह से मुझे नया पे की ट्रांजेक्शन कर लेनी चाहिए, जिसकी वजह से मैंने सोचा क्योंकि नया पे की 5 ट्रांजेक्शन फ्री है तो मुझे वहां से मनी विड्रॉ कर लेनी चाहिए। लेकिन इश्यू यहाँ पर ये फेस करने को मिले, ना कि एक दफा, दो दफा भी होता है, चले 3 दफा होता है, हर बार मोस्ट ऑफ केसेस में यूबीएल की बात करूं मैं तो मेरा जो कार्ड है वो यूबीएल मशीन में स्टक हो जाता है। उम्मीद है कि आपका ना होता हो या फिर होता होगा। और अगर यूबीएल की मैं बात करूं तो यूबीएल के एटीएम से मुझे कुछ ज्यादा जो है मैं मुत्तफिक नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं यूबीएल का नया पे के अलावा भी कार्ड यूज करूं ना, तो मतलब के बैंक अल हबीब का करूं, एचबीएल का करूं या फिर एलाइट का करूं यूबीएल एटीएम में, तो मैक्सिमम केसेस में मेरा कार्ड जो है वो स्टक ही हुआ है। मसला ये आता है कार्ड तो निकल आता है लेकिन 15 मिनट वो आपके 10 से 15 मिनट पक्के जाया करता है, आप कैंसिल मारते रहो खड़े होके, बैंक वालों को अगर बोलो बोलते हैं जगह नहीं छोड़नी आपने, आपका कार्ड जो स्टक हुआ हुआ है वो वापस आ जाएगा। हाँ, उन्हें भी पता है, उन्हें भी आइडिया है कि हमारा जो कार्ड है वो स्टक होता है, हमारे एटीएम है वो जो कार्ड स्टक करती है। अदर बैंकिंग की अगर बात करें तो वो कार्ड बिल्कुल लेता ही नहीं है, मतलब ले भी ले कभी कभार तो मोस्ट ऑफ केसेस में कार्ड स्टक हो जाता है, ना कि मेरा, मेरे सामने कितने कार्ड जो हैं वो इस तरह से स्टक हुए रहे हैं जिसकी वजह से मैं ये वीडियो मजबूरी में बना रहा हूँ। अब नया पे की सर्विसेज की बात तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी की बात करें जो कि एटीएम फ्री हमें ट्रांजैक्शंस जो मिल रही हैं 5 यूबीएल एटीएम से, तो वो भी कार्ड मैनी केसेस में स्टक हो जाता है, स्पेशली 1 से 10 तारीख से या 1 से 15 ऑफ द फर्स्ट मंथ, मतलब के जो शुरू की डेट्स होती हैं इनमें तो पक्का कार्ड स्टक होना ही होना होता है, या तो पहले वो लेता ही नहीं है कार्ड ही, अगर कार्ड गलती से ले भी ले, मतलब के यूबीएल ने ट्रांजैक्शन सेट की होती है कि यूबीएल के अलावा वो किसी और कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा स्टार्टिंग की डेट्स में होता है, जो कि ऑलरेडी मैं वीडियो बना के आपको बता चुका हूँ कि पेंशन और सैलरीज डिफरेंट अकाउंट्स लोगों के आ रहे होते हैं, इसलिए वो फिर विड्रॉ ले रहे होते हैं, क्योंकि यूबीएल के अपने ही नंबर ऑफ कस्टमर काफी ज्यादा है, इसलिए फिर वो अदर बैंकिंग्स को जो है वो प्रेफर नहीं करते, इसलिए सबसे पहले कस्टमर उनके अपने प्रेफर होते हैं। बट नया पे की अगर बात करें, मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी साथ में आपको मेंशन कर दूंगा, मैं चल भी रही होगी, और कार्ड मेरा स्टक हो जाता है भाई, अब 15 से 20 मिनट खड़े रहो वहाँ पे, जस्ट एक दफ़ा नहीं हुआ, काफ़ी दफ़ा हुआ है, जिसकी वजह से मैं जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। अब वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर नया पे ये चीज़ देख रहा है तो उसे ये चीज़ बहुत जल्दी रिजॉल्व करनी चाहिए कि यूबीएल जिसके साथ वो एसोसिएट है 5 ट्रांजेक्शन मंथली फ्री देने में, तो वो 100% एक्यूरेट वर्क नहीं कर रही, बाकी भी कार्ड्स का इशू आ रहा है, लेकिन अगर यू यूबीएल से जो कि 5 ट्रांजेक्शन महीने की फ्री दे रहे हैं, जस्ट 5 ही दे रहे हैं, तो कम से कम वो तो हमारी सही से वर्क करें। उम्मीद है कि ये मसले मसाइल जो हैं वो आपको भी फेस करने को मिल रहे होंगे और नया पे इस चीज़ पे स्टैंड लेगा। इसके बाद सादा पे की वीडियो बनाएंगे कि सादा पे है वो भी बंद हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब सारी रीजनिंग और सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जस्ट इतना ही था, उम्मीद है कि छोटी सी गलती है, छोटी सी मिस्टेक है नया पे की तरफ से, या फिर एक इश्यूज चल रहा है, वो नया पे जल्द अज जल्द इस चीज़ को रिजॉल्व करेगा, और जितने भी उनके यूज़र्स हैं ओवर दी पाकिस्तान, तो वो इस चीज़ को, इस फ्री 5 ट्रांजेक्शन जो कि यूबीएल एटीएम से हम निकाल सकते हैं, उसका अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।